नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शेलार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में देखिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में लैपलास ट्रांसफॉर्म में टाइप 2, पहले हमने टाइप 1 के प्रॉब्लम डिस्कस किए, अब हम टाइप 2 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जब भी आपको दिए हुए प्रॉब्लम में दो टर्म्स के बीच में इनटू होगा, देखिए टी इनटू कॉस थ्री टी, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म, टी पहली टर्म है और कॉस थ्री टी दूसरी टर्म है, इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, तब हम मल्टीप्लीकेशन थियरम यूज करेंगे। और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम देखिए माय डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑलवेज हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में टाइप 2 में सॉल्व करते। जब भी दो टर्म्स के बीच में इनटू होगा, दो टर्म्स के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तब हम सॉल्व करते। देखिए दो टर्म कौन सी, एक टी है एक कॉस थ्री टी है, तो देखिए टी और इंटू कॉस थ्री टी, टी और कॉस थ्री टी के बीच में इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई कर रहे। तो आज से हम इसी लेक्चर से हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आपको ऐसे भी दिया जाएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस थ्री टी, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे एक तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस थ्री टी, या फिर ऐसे एल बार और टी इंटू कॉस थ्री टी। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कॉस थ्री टी कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको टी इंटू कॉस थ्री टी में ऐसे लिखूंगा, और इसमें मैं सबसे पहले कॉस थ्री टी का, देखिए कॉस थ्री टी का पहले लैपलास निकालूंगा, देन बाद में टी का। तो कॉस थ्री टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म है, देखिए मैंने पहले बोला है आपको, जब भी आपको लैपलास पूछा जाएगा कॉस का, जब भी आपको लैपलास पूछा जाएगा कॉस का, तो ऊपर आपको देना है न्यूमरेटर में यस, अपॉन पे यस स्क्वायर, अपॉन पे देना है यस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट 3 का स्क्वायर। जब भी आपको लैपलास पूछा जाएगा कॉस का, तो ध्यान में रखिए ऊपर न्यूमरेटर में आपको देना है यस अपॉन पे यस का स्क्वायर प्लस इस 3 का स्क्वायर, ये आपका लैपलास कॉस थ्री टी का। और अब हम ये हो गया फर्स्ट, और अब हम यहाँ पे लेंगे बाय, यहाँ पे लेंगे माय डियर स्टूडेंट बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, देखिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, सबसे पहले हमने क्या किया, टी इंटू कॉस थ्री टी में से कॉस थ्री टी का लैपलास निकाल लिया, कॉस का लैपलास अगर आएगा तो ऊपर देना है आपको यस अपॉन पे यस स्क्वायर प्लस ये 3 है इसीलिए 3 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम देखिए क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम देखिए यहाँ पे बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो यहाँ पे देना है आपको इक्वल्स टू राइट, और आपको सबसे पहले लिखना है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लिखना है आपको माइनस, ध्यान से देखिए यहाँ पे डी बाय डी एस, डी बाय डी एस, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी आपने कॉस थ्री टी का जो भी लैपलास फाइंड किया क्या है यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसे आपको दे देना यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर राइट, यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 9, यहाँ पे आपको डायरेक्टली स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आपको बाहर लिखना है माइनस, डी बाय डी एस हमेशा डी बाय डी एस देना है, और बीच में आपको ये जो कॉस थ्री टी का जो लैपलास है वो क्या है यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 9, ये आपको दे देना है ब्रैकेट में यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे आपको दे देना है 9 ओके। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका, डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है इसका, तो यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर की टर्म होगी माय डियर स्टूडेंट इसे आपको यू एज्यूम करना है, और ये जो नीचे की टर्म होगी इसे आपको वी एज्यूम करना है, और आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी क्या होता है, तो यू अपॉन वी होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यू अपॉन वी होता है यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज राइट, यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव और u एज इट इज, और अपॉन पे आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट v स्क्वायर, अपॉन पे आपको लिखना है v स्क्वायर। फिर से बताता हूं, जब भी आपको d बाय डी एस का मीनिंग है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका, ये जो टर्म है यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 9, इसका जो ऊपर की टर्म है उसे u एज्यूम करें, नीचे की टर्म है उसे v एज्यूम करें राइट, और u अपॉन v का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लेना है डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, और उसका फॉर्मूला है
यू डैश का मीनिंग है यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज, देन माइनस करके वी डैश का मीनिंग है माय डियर स्टूडेंट वी का डेरिवेटिव, पहले यू का डेरिवेटिव वी एज इट इज माइनस, देन वी डैश मीन्स वी का डेरिवेटिव यू एज इट इज अपॉन पे वी स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है वो माइनस एज इट इज, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए देखिए यू का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव मीन्स यस का डेरिवेटिव, यस का डेरिवेटिव होगा माय डियर स्टूडेंट वन, और यहाँ पे वी एज इट इज तो ब्रैकेट में यस स्क्वेयर प्लस नाइन एज इट इज, देन माइनस लिखना है आपको माइनस वी डैश का मीनिंग है वी का डेरिवेटिव। तो देखिए वी वी क्या है यहाँ पे यस स्क्वेयर प्लस नाइन, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं यस स्क्वेयर प्लस नाइन का डेरिवेटिव कैसे आएगा, देखिए ना वी डैश का मीनिंग है वी का डेरिवेटिव, तो देखिए यस स्क्वेयर का डेरिवेटिव है टू यस स्क्वेयर का डेरिवेटिव है टू यस, और नाइन का डेरिवेटिव होगा जीरो, देखिए ना यस स्क्वेयर का डेरिवेटिव पावर क्या है यहाँ पे टू है, तो टू पहले लिखे देन बाद में यस स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो गया आपका टू यस, नाइन कॉन्स्टेंट है नाइन का डेरिवेटिव होगा जीरो, तो जीरो हम नहीं लिखते तो यस स्क्वेयर प्लस नाइन का डेरिवेटिव हो गया टू यस, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टू यस, और यू यू आपका एज इट इज यू क्या है आपका यस, तो यस आपका एज इट इज ओके, और यहाँ पे अपॉन पे आपको लिखना है माय डियर स्टूडेंट अपॉन पे आपको लिखना है वी का स्क्वेयर, वी क्या है आपका यस स्क्वेयर प्लस नाइन, तो यहाँ पे लिखना है आपको यस स्क्वेयर प्लस नाइन और इसका स्क्वेयर, क्योंकि वी का स्क्वेयर, तो वी क्या है आपका यस स्क्वेयर प्लस नाइन, तो यस स्क्वेयर प्लस नाइन का आपको क्या करना है स्क्वेयर। फिर से बताता हूँ डी बाय डी एस यस अपॉन यस स्क्वेयर प्लस नाइन, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है यस अपॉन यस स्क्वेयर प्लस नाइन, जब भी आपको डेरिवेटिव पूछा गया एक ऊपर टर्म होगी और नीचे टर्म होगी, तो जब भी ऊपर टर्म होगी और नीचे भी टर्म होगी तो ऊपर की टर्म को यू एज्यूम करे, ये जो नीचे की टर्म है उसे वी एज्यूम करे, ये आपको सिर्फ समझा रहा हूं एग्जाम में मत लिखे, तो आपको यू अपॉन वी का फॉर्मूला यूज करना होगा डेरिवेटिव का, तो यू अपॉन वी का फॉर्मूला होता है यू डैश मीन्स यू का डेरिवेटिव वी वैसे ही रहने दीजिए माइनस वी का डेरिवेटिव यू वैसे ही रहने दीजिए अपॉन पे वी का स्क्वायर। तो देखिए यू का डेरिवेटिव, यू का डेरिवेटिव मीन्स यू क्या है यस है, तो यस का डेरिवेटिव क्या होगा वन, तो मैंने वन लिखा, देन वी एज इट इज वी है आपका यस स्क्वायर प्लस नाइन एज इट इज लिखिए, देन माइनस है तो माइनस वी का डेरिवेटिव मीन्स यस स्क्वायर प्लस नाइन का डेरिवेटिव, तो यस स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका टू यस, और नाइन का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपका जीरो, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो टू एस आपको एज इट इज लिखना है माय डियर स्टूडेंट, तो यस स्क्वेयर प्लस नाइन का डेरिवेटिव हो गया टू एस, तो यहाँ पे देखिए टू एस वी का डेरिवेटिव वी है देखिए यस स्क्वेयर प्लस नाइन, तो यस स्क्वेयर प्लस नाइन का डेरिवेटिव हो गया आपका टू एस, और ये जो यू है ये यू आपका एज इट इज, देखिए ये जो यू है यू क्या है यस, तो आपका एज इट इज अपॉन पे वी का स्क्वेयर, वी क्या है यस स्क्वेयर प्लस नाइन, तो यस स्क्वेयर प्लस नाइन का स्क्वेयर ओके तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में माइनस, यहाँ पे आपने वन नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे वन नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा यस स्क्वेयर प्लस नाइन, ये वन मत लिखे, अगर इनटू पे वन होगा ब्रैकेट में अगर वन होगा वन लिखने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट के बाहर अगर वन होगा तो मत लिखे यस स्क्वेयर प्लस नाइन, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये जो टू है ये टू एज इट इज, और यहाँ पे आपका यस इंटू यस हो जाएगा आपका टू यस स्क्वेयर, और अपॉन पे आपका ये यस स्क्वेयर प्लस नाइन ये ब्रैकेट का स्क्वेयर एज इट इज। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये माइनस एज इट इज ब्रैकेट में यस स्क्वेयर माइनस टू यस स्क्वेयर कैसे लिखोगे आप, देखिए यस स्क्वेयर में ये बेसिक लिख के दे रहे हो यस स्क्वेयर माइनस टू यस स्क्वेयर, तो देखिए इस यस स्क्वेयर के पहले वन होता है, क्या होता है वन, तो ये वन हमें दिखाई नहीं देता, यहाँ पे वन होता है, तो वन माइनस टू, वन माइनस टू हो जाए माइनस वन, देखिए वन माइनस टू यहाँ पे वन होता है, तो यहाँ का वन कैलसी पे करे यहाँ का वन यहाँ का माइनस टू, यहाँ पे वन होता है यस स्क्वायर मीन्स यहाँ पे वन होता है, वन माइनस टू होता है आपका माइनस वन, यस स्क्वायर है तो आपको लिखना होगा यस स्क्वायर, वन हम नहीं लिखते तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस यस स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा यस स्क्वायर माइनस टू यस स्क्वायर का आंसर आएगा आपका माइनस यस स्क्वायर, ये जो ऊपर है यस स्क्वायर माइनस टू यस स्क्वायर का आंसर आएगा आपका माइनस यस स्क्वायर, यहाँ पे प्लस नाइन है तो प्लस नाइन, और अपॉन पे आपको लिखना होगा यहाँ पे यस स्क्वायर प्लस नाइन, और यहाँ पे आपका होगा ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे होगा आपका ब्रैकेट का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखे इक्वल्स टू
यहाँ पे देखे ना, यस स्क्वायर माइनस टू यस स्क्वायर आपका होगा माइनस यस स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, ये यस स्क्वायर माइनस टू यस स्क्वायर होगा आपका माइनस यस स्क्वायर, ये प्लस नाइन एज इट इज और अपॉन। तो देखिए ब्रैकेट के बारे जो माइनस है, ये माइनस हमेशा आपको जो भी ऊपर टर्म दी हुई है इनको देना है। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस, हो जाएगा आपका प्लस, क्या आएगा यस स्क्वायर, एंड देन ये माइनस एंड ये प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे रूल लिख के देता हूँ, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, एंड देन माइनस और ये प्लस होता है आपका माइनस और ये प्लस होता है आपका माइनस। तो देखिए ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस, देन यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट नाइन है तो नाइन, और अपॉन पे आपका क्या है यस स्क्वायर प्लस नाइन इस ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ यस स्क्वायर प्लस नाइन देन ब्रैकेट का स्क्वायर। तो दिस